हाँ मेरे भाई लोग, आज के दिन मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम स्टोरी आप लगाते हो म्यूजिक के साथ, उसी स्टोरी को आपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाते हो तो म्यूजिक गायब हो जाता है। तो क्या करना है, क्या ट्रिक है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस काफी सारे भाई लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटो वीडियो या इंस्टाग्राम रील्स जैसे कि आपने स्टोरी पर लगा लेते हैं अपने आईडी पर, लेकिन उसी इंस्टाग्राम स्टोरी को आपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाते हैं तो लग तो जाता है लेकिन म्यूजिक जो भी ऑडियो होता है बैकग्राउंड में तो गाइस वो गायब, वो म्यूट हो जाता है। तो गाइस आप कैसे, जैसे कि जो भी इंस्टाग्राम स्टोरी है तो गाइस वो म्यूजिक के साथ कैसे अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हो आज का वीडियो बताऊंगा। तो गाइस ये काफी बड़े वीडियो होने वाला है, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो गाइस चलो बिना देरी करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं जैसे कि फोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो गाइस अभी आपको बताऊंगा कोई भी आप इंस्टाग्राम स्टोरी यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो तो गाइस उस स्टोरी जैसे कि डाउनलोड करके आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाने की कोशिश करते हो तो गाइस स्टेटस तो लग जाता है लेकिन जो भी इंस्टाग्राम स्टोरी होता है तो गाइस उसका म्यूजिक यहाँ पर म्यूट, जैसे कि म्यूजिक नहीं आता है। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना होगा प्ले स्टोर से, क्योंकि गाइस काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन आता रहते हैं। तो गाइस आपको प्ले स्टोर में जाकर इंस्टाग्राम सर्च करके इंस्टाग्राम पर कोई भी अपडेट आया हुआ है तो गाइस सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरी अपलोड नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, स्टोरी अपलोड करने से आप उस स्टोरी को डाउनलोड करके अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हो तो गाइस म्यूजिक नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर मैसेज पर जाना है, कोई भी रैंडम बंदा को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पहले भी ये ट्राई किया था तो गाइस ये हो रहा था, इसलिए देख सकते हो यहाँ पर मेरा फोटो एक यहाँ पर सेंड हुआ है। तो गाइस आपको क्या करना है, इस कैमरा के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा या तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कोई सा भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई सा भी एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि उसी एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कुछ तरह ये फ़ोटो आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद लोकेशन मेंशन, यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा लिंक्सिंग। तो यहाँ पर आपको म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, सबसे पहले साउंड को म्यूट कर लेते हैं। उसके बाद कोई सा भी एक म्यूजिक आप प्ले करके कुछ तरह यहाँ पर आप प्ले करके उसको ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको कहीं पर भी आप नीचे छुपा सकते हो या तो गाइस कहीं पर भी रख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरह। तो गाइस यहाँ पर आप थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करते हो तो गाइस आपका यहाँ पर म्यूजिक नहीं आएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप सेंड के ऊपर क्लिक करते हो तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये फोटो सेंड हो रहा है। जैसे सेंड हो जाएगा तो गाइस कुछ इस तरह यहाँ पर ये फोटो सेंड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल फोटो सेंड हो चुका है। तो गाइस आपको फोटो के ऊपर थोड़ा टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पर आपको रिप्लाई का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो देख सकते यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया तो गाइस आपके स्क्रीन पर फोटो सेव आ जाएगा। जैसे कि फिर से यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव के ऊपर, तो गाइस जैसे आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा एरर हो रहा है, यहाँ पर मेरा डाटा स्लो होने के कारण। तो गाइस यहाँ पर आप सेव जैसे ही करते हो तो देख सकते हो कुछ तरह फोटो सेव आ जाएगा। उसके बाद आप इस फोटो को अपने गैलरी में चेकआउट करते हो तो गाइस आ जाएगा वहाँ पर म्यूजिक के साथ। उसके बाद आप उसी फोटो वीडियो जो भी है तो गाइस उसको आप अपने व्हाट्सएप, तो गाइस आप कुछ इस तरह जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी म्यूजिक के साथ अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड कर सकते हो। तो गाइस चलो आज के वीडियो में कुछ इतना ही।